काफी प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे कह रहे थे सर हमें केमिकल रिएक्शन बनानी नहीं आ रही। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको कुछ छोटी मोटी बातें याद करके तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन और पेंसिल उठा के जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी बेस्ट होती है इसके लिए, उतने आप उतने उसमें एक्सपर्ट होते जाओ जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर भी मैं आज इसमें कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाऊंगा ताकि तुम आसानी से केमिकल रिएक्शन सीख जाओ। तो कुछ यहाँ पे मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, जिनके तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बोनेट सल्फेट ऑक्सलेट, जो कार्बोनेट का जो आयन होता है उसका OHNO3 नाइट्रेट मतलब हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव तो हमारे पास सोडियम प्रेजेंट है और लीस्ट रिएक्टिव क्या प्रेजेंट है, गोल्ड, और इन सबके चार्ज। ठीक है, चार्ज आपको याद नहीं होंगे तो केमिकल इक्वेशन भूल जाओ। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अल्फाबेट के अंदर मतलब बनाने के लिए आपको ABCD याद करनी पड़ती है, सेम टू सेम केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आपको चार्ज याद करने पड़ेंगे। और चार्ज के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, 200 टेबल पे जाओ उसमें देखो +1 +2 ऐसे चार्ज बटे हुए हैं, आपको केवल पकड़ना है उनको। ठीक है, या फिर आप 30 तक उनको याद कर लो, या फिर इम्पोर्टेंट कंपाउंड। और चार्ज कहते समय याद नहीं है, ये भी बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे, आप जब सॉल्व करोगे तो बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सा रिएक्टेंट लेके चलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैग्नीशियम लेके चलता हूँ जो 8th क्लास से आना स्टार्ट होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम 8th क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कोई भी सब्सटेंस बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी बर्निंग की बात आएगी ऑक्सीजन वहां पर इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना है। तो देखो आपको चार्ज पता होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ चार्ज के बिना पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है भाई। +2 चार्ज मैग्नीशियम का होता है, -2 चार्ज ऑक्सीजन का होता है। चार्ज क्लियर हो गए, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जैसे मान लो ए और बी सब्सटेंस है, उनका जो चार्ज है +1 +2 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इनका। अब यहाँ पे और कोई रिएक्टेंट है नहीं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, MgO, क्योंकि +2 -2 क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, क्या बन जाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और अगर इसमें देखना है और एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसके अंदर, और तो जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं यहाँ पे, सोडियम और वाटर का, यही से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। देखो वाटर हो गया, कार्बोनेट हो गया और सल्फेट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए किस किस के अंदर ये चीज टूटती है। तो जो वाटर है हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर मिक्सिंग है किसका, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का। एसिड बेस पढ़ा है आपने उस चैप्टर के अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। सेम टू सेम जो कार्बोनेट आयन होता है CO3-2 जिसका चार्ज होता है, ये ब्रेक डाउन होने पर क्या फॉर्मेशन करता है, CO2 बन के तो गैस निकलेगी, और यहाँ पे क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्शन काज करेगी। सेम टू सेम यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो Na और OH है वो तो रिएक्शन करेगा, और H है वो रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी। तो इन दोनों की ब्रेकडाउन पे ध्यान देना आपको। तो क्या है यहाँ पे, सोडियम का चार्ज क्या होता है बताओ, क्या होता है +1, और हाइड्रोक्साइड OH का चार्ज क्या होता है, -1। ठीक है, क्या होता है, -1। अब +1 -1 क्रॉस कर दीजिए, क्या फॉर्मेशन बनेगा, सिंपल सा क्या बनेगा, NaOH बन गया भाई। लास्ट में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। ठीक है, और कोई भी गैस मॉलिक्यूल अकेला नहीं होता, मॉलिक्यूल फॉर्म में जाता है, एटम के फॉर्म में नहीं जाता, मॉलिक्यूल फॉर्म में H2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, दोनों के लिए 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं होगी वो भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बैलेंसिंग मस्ट है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सो करता है। ठीक है, ये तो थी सिंपल रिएक्शंस। और अगर इसके एग्जांपल लेते हैं, आप दो रिएक्टेंट्स, एक कंपाउंड और एक रिएक्टेंट, मतलब सिंपल एलिमेंट, जैसे कंपाउंड मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड। अब पहला क्वेश्चन ये है कि बेरियम क्लोराइड बना कैसे। ठीक है, बेरियम का चार्ज क्या होता है, +2, क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1।
टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, वन इधर हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, BaCl2। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ किसके साथ, पोटासियम के साथ करवा देता हूँ। ठीक है, अब आपको रिएक्टिविटी चीज का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पोटासियम ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बेरियम। अब ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा बेरियम को, क्या बन जाएगा KCl। अब KCl कैसे बना, प्लस वन माइनस वन चार्ज है भाई, चार्ज का ही सब खेल है इसके अंदर, और बेरियम है बाहर निकल जाएगा। क्या ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट मान ले, बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि बैलेंस करना है, क्लोरीन यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या हो गए दो। अब बैलेंसिंग का अगर करते सीखना चाहो तो वो बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखो, बिल्कुल सिंपलली देखना है हमें, डायरेक्ट नहीं करना। देखो एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, मैग्नीशियम रिएक्शन करवा दी है और स्टीम के साथ, स्टीम वाटर के साथ करवानी, मतलब वाटर के साथ करवाने तो क्या बनेगा, ठीक है, स्टीम के साथ करवा रही है। मैं यहाँ पे सीधा बना रहा हूँ, MgOH की ट्वाइस हो गई, प्लस में क्या निकल गया यहाँ पे H2, कैसे आया, वही बात ध्यान देनी है, H2 टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है, और OH नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा पॉजिटिव के साथ, ठीक है। ये तो न्यूटन का लॉ भी कहता है, जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो डिफरेंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड प्लस में एच टू, अब इसको बैलेंस करना है तो आप लिख लीजिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन ऑक्सीजन, क्योंकि एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव में तोड़ो, वहां पे OH है हमारे पास, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, वन, वहां पे वन, कोई दिक्कत नहीं है। एच टू है यहाँ पे हमारे पास, और वहां पे कितनी है, टू एंड टू फोर, टू प्लस में टू है वहां पे, क्लियर। नेक्स्ट वन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, वन वन है, ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन दो थी वहां पे दो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मांगे चलेंगे तो यहाँ पे कितनी, वन, और वहां पे कितनी है, टू। अब इक्वल करने के लिए हम कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, इसका जो दो बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, दो से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे दो से मल्टीप्लाई इसके दो मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरी इसके मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो गए, चार हो गए, ये भी क्या हो गया, चार, और ये हमारे पास कितने थे, दो, और ये भी कितने हो गए, दो, क्योंकि बैलेंसिंग रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, कोई भी, जैसे आपको मैं करवा रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट के कारण डिकम्पोज हो गया, हीट के कारण डिकम्पोज, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर छिपा होता है सब कुछ कि ये क्या हो रहा है, तो डिकम्पोज का मतलब क्या, सीधा हीट की वजह से टूटेगा ये, ठीक है। तो CO3 मैंने बताया था, CO2 टूटता है CO2 प्लस O में, तो CO2 तो निकलेगा प्लस में O, अब O के साथ रिएक्शन कौन करेगा, कैल्शियम करेगा, ये बचा हुआ प्लस टू एंड माइनस टू क्रॉस हो गया, क्या बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस करना है, करोगे बैलेंस, पहले से ही बैलेंस है, कैल्शियम एक यहां भी है, कार्बन एक वहां भी एक है, ऑक्सीजन तीन, दो और एक तीन। नेक्स्ट वन चलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट में चलते हैं, पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड बनाना है, इसका चार्ज प्लस थ्री होता है, इसका चार्ज माइनस टू होता है सल्फेट का, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएंगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, टू, और यहाँ पे कंप्लीट का मल्टीपल हो रहा है, इसलिए इसको पूरा ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीपल थ्री नहीं कर देंगे, नहीं तो 44 हो जाएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट का क्या बन गया, थ्री। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाए, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैं लेता हूँ सोडियम को, क्योंकि फिर बैलेंसिंग में सोडियम अकेला नहीं लेते हम, इसको कंपाउंड डबल डिस्प्लेसमेंट वाला काम कर देते हैं, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्लोरीन को, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन, क्रॉस हो जाएगा, रिएक्शन करवानी है। अब जो ताकतवर होता है वो हमेशा डिस्प्लेस करता है कमजोर वाले को, रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखो, सोडियम ऊपर एल्यूमिनियम नीचे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम तो यहाँ आ गया,
ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा सल्फेट। अब सल्फेट का चार्ज क्या होता है माइनस टू और इसका क्या होता है प्लस वन, तो बारी अब इसकी आई ना Na2SO4, क्लियर Na2SO4। नेक्स्ट में क्या करना है एल्यूमिनियम बचाओ, एल्यूमिनियम प्लस थ्री है, क्लोरीन कितना है माइनस वन है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवा दिया थ्री, तो क्या बन गया हमारे पास कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर ये बैलेंस हो गई तो इसका मतलब आपको बैलेंसिंग आ गई, ठीक है। तो इसको बैलेंस देखते हैं, बैलेंस कैसे करना है इसको, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट को उठा लो, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है कौन कौन से, एल्यूमिनियम हमारे पास, सल्फेट है, सोडियम है और क्या है हमारे पास क्लोरीन है, ये चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। अब इनको क्रॉस करवाना है, ठीक है तो सॉरी बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन टेक पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं, तो रिएक्टेंट के अंदर एल्यूमिनियम दो है। अगर हम चलते हैं प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम एक है, तो सीधी सी बात है इसको हम दो करेंगे मल्टीप्लाई विद टू, तो टू यहाँ पे नहीं करना है यहाँ पे करना है, क्लियर इक्वल हो गया कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट SO4 थ्री है यहाँ पे, कितने हैं थ्री, ठीक है और यहाँ पे कितने वन, अब इसको भी तीन करना पड़ेगा भाई, तो थ्री का मतलब क्या मल्टीप्लाई विद थ्री कर दो, तो थ्री मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे इसके आगे करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सोडियम के अंदर देखते हैं वन, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है वन है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर देखो तीन तो इसके साथ दो है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टोटल कितने बन गए तीन, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स है। अब सिक्स के लिए तो सीधी सी बात है सिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे सिक्स, ठीक है यहाँ पे क्या हो गया सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरीन देखो, क्लोरीन सिक्स हो गया, क्लोरीन कितने हो गए सिक्स, क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे कितने है थ्री इंटू थ्री सिक्स, तो ये हो गई बैलेंसिंग, ठीक है। केवल सिंपल सा ध्यान रखना है कि कैसे भी कंपाउंड फॉर्मेशन करने हैं उसके हिसाब से हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं नाइट्रेट का, ठीक है नाइट्रेट का एग्जांपल लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैटर रिएक्ट विद एसिड, तो मैं एग्जांपल उसी के अकॉर्डिंग लेता हूं, कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो कैल्शियम मेटल मतलब क्या CA रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है नाइट्रिक एसिड क्योंकि एसिड मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी, तो कैल्शियम का चार्ज हमारे पास प्लस टू होता है, नाइट्रेट का चार्ज होता है माइनस वन, हाइड्रोजन होता है प्लस वन, तो एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं कहते हैं हाइड्रोजन निकलती है, सच बात है देखते हैं, क्योंकि कैल्शियम रिएक्ट करेगा इसके साथ डिस्प्लेस कर देगा इसको, क्यों रिएक्टिव है स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या बन जाएगा CaNO3, सही है नहीं है, कैसे क्यों इसका चार्ज तो क्या है प्लस टू और इसका चार्ज क्या है वन है, तो इसकी पावर इक्वल करने के लिए टू यहां पे आएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा हमेशा गैस फॉर्म में H2 फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे H2 के लिए यहाँ पे दो लगा दो, H2 बैलेंस करना दो, नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ये हो गए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चलो कार्बन से, कार्बन कंपाउंड से लेते हैं, कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कर सकते हो बिल्कुल हो जाएगा, ये देखो कंपाउंड फॉर्मेशन बात करते हैं, CO4-4 दोनों दिखाते हैं माइनस टू दिखाएगा, तो देखते हैं तो C2O4 बनता है हमारा। अब इसमें दो कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 2CO2, ठीक है क्योंकि कार्बन भी किस फॉर्म में चलेगी इसी फॉर्म के अंदर चलेगा, बैलेंस करना जरूरी है, कार्बन भी तो गैस है इसको भी C2 के रूप में लेके चलेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, तो मान लो ग्लूकोज की बात चल रही है या इथेनॉल की बात चल रही है, CH3CH2OH, इसको बर्न करना है जलाना है इसको, सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है लेकिन जहां पे OH प्रेजेंट हो ना तो इसका मतलब समझ लेना ये इसकी नियत बिगड़ जाएगी, एक H पॉजिटिव देखते ही और क्या बना देगा वाटर बना देगा, तो उसके ऊपर ही देखते हैं यहाँ पे कार्बन दो है हमारे पास तो कितने ऑक्साइड बनेंगे टू ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे टू, इसमें हीट भी निकलेगी साथ में, ठीक है
सीओ टू हो गया, अब कितनी हाइड्रोजन बच गई, तीन दो पांच और एक छह, छह हाइड्रोजन बच गए। ऑक्सीजन कितने, दो और एक तीन, ऑक्सीजन तो ज्यादा लेना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पे छह हाइड्रोजन है, तो छह हाइड्रोजन का मतलब क्या है, थ्री एच टू बाहर चला गया, छह तीन दो नहीं छह और एच टू, क्योंकि एक ओ एच एक हाइड्रोजन लेगा, ऐसे इसका कंपाउंड फॉर्मेशन होके क्या हो जाएगा, थ्री एच टू। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंसिंग की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी पड़ेगी, तो कितनी है, चार और तीन सात, नहीं हो जाएगी बैलेंस, नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके लिए मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स डबल करने पड़ेंगे, तब जाके 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 थे तो 7 14 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी आनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन से क्लियर। अब कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो मतलब जिनकी प्रेजेंस के अंदर एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन ही बदल जाती है। तो जैसे उसका एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, KMnO4। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है फ्री की। अब देखो, बात करते हैं CH3CH2OH की, एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करवाना है इसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और देंगे। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन देंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले एक वो प्रेजेंट थी, तो ये किस रूप में निकल जाएगी, H2O के रूप में, एलिमिनेट किस रूप में हो गई, H2O के रूप में, और दो ऑक्सीजन थी उसके साथ बाउंड हो जाएंगे, क्या फॉर्म बनेगा, CH3COOH। ठीक है, क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। इसके साथ साथ देखते हैं, मान लो एक होता है निकल प्लेटिनम। ठीक है, निकल प्लेटिनम क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाइड्रोजन देगा तो एक हाइड्रोजन ये ले लेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, क्या बन जाएगी, CH3 देन CH3, क्या बन गया, हिथेन। ठीक है, तो ये हो गए सिंपल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से और एग्जांपल के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके।